हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज फ्रूट. ओके, नाउ आज हमें डिस्कस करना है कि फ्रूट्स क्या होते हैं. तो सबसे पहले हम इसका जनरल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि एक्चुअली में जो हमारे फ्रूट्स होते हैं वो होते क्या हैं. तो हमने पहले बोला कि फ्रूट्स हमें केवल फ्लावरिंग प्लांट में देखने को मिलेंगे, यानी कि जो फ्रूट्स हैं, ठीक है, जो फ्रूट्स हैं, दीज आर द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. और आप सबको पता है ये बात कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, वहां पर हमें फ्रूट्स देखने को मिलते हैं. ठीक है, एक्चुअली में जो फ्रूट्स हैं वो है क्या, दीज आर द मैच्योर्ड और राइपेंड ओवरी. मतलब जब हमारी ओवरी पक जाती है, राइपेंड हो जाती है, या फिर जब हमारी ओवरी मैच्योर हो जाएगी, तो ऐसी ओवरी को, पकी हुई ओवरी को और मैच्योर ओवरी को हम क्या बोलेंगे, फ्रूट्स बोलेंगे. ठीक, इसके बाद हमें देखना है कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स क्या होते हैं. तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं, यानी कि जिसमें हमें ओवरी के ओव्यूल और एंथर के बीच में, हमें मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के बीच में हमें फर्टिलाइजेशन देखने को नहीं मिलता. तो ऐसे फ्रूट्स को जिसमें हमें ट्रू फर्टिलाइजेशन देखने को नहीं मिलता, ऐसे फ्रूट्स को हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स बोलते हैं. ठीक है, और आपको अच्छे से पता है कि ना तो हमें बनाना में और ना ही हमें ग्रेप्स में, ठीक है, ना बनाना में और ना ही ग्रेप्स में हमें इन दोनों में किसी भी तरीके की कोई सीड देखने को नहीं मिलती. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल कि जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं, आपको पता है कि वो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं. अगर पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहे हैं, तो इसका मतलब हम कैसे उसको बड़ा करेंगे. अगर सीड ही नहीं बनेगी, सीड किससे बनती है, जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है. देखो, जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होगा, है ना, तभी तो जायगोट बनेगा. तो प्लांट्स के केस में हम क्या कहते हैं कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं और सीड बनती है. हम जायगोट वर्ड यूज नहीं करते, हम क्या यूज करते हैं, सीड वर्ड यूज करते हैं. तो सीड कब बनेगी, जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे, फर्टिलाइज होंगे. बट हम बोल रहे हैं कि पार्थेनोकार्पिक में कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता. तो अगर इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो जो पार्थेनोकार्पी इंड्यूस होती है वो किससे होती है, विद द हेल्प ऑफ ग्रोथ हार्मोन. किससे होती है बेटा, थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन. यानी कि आप बार बार ग्रोथ हार्मोन डालते हो, जिसकी वजह से वो जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स है वो साइज में बड़ा होता जाता है. ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे अभी हमने बात करी थी, हमने क्या बोला था कि जो पकी हुई ओवरी होती है, ठीक है, वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है. जो पकी हुई ओवरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है. अगर ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है, तो जो ओवरी की वॉल है, ठीक है, वो फ्रूट की वॉल में कन्वर्ट हो जाएगी. ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है, तो ओवरी की वॉल फ्रूट वॉल में. तो बेटा यहाँ पर हमने यही लिखा है, इफ ओवरी फॉर्म्स द फ्रूट, अगर ओवरी फ्रूट बना रही है, देन आफ्टर राइपनिंग ओवरी वॉल गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट वॉल नोन एज पेरिकार्प. और इस फ्रूट वॉल को हम पेरिकार्प बोलते हैं. तो हमें इतनी बात समझ में आ गई कि ओवरी ही वो स्ट्रक्चर है, ओवरी ही वही चीज है जो बाद में जाके फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है, और ओवरी जो फ्रूट वॉल है उसको हम पेरिकार्प बोलते हैं. अब बेटा जो ये पेरिकार्प होता है, यानी कि जो फ्रूट वॉल होती है, तीन चीजों से मिलकर बनती है. इसमें तीन चीजें होती हैं, एक आउटर मोस्ट लेयर होती है, एक मिडल लेयर होती है, एक इनर मोस्ट लेयर होती है. जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो एपिकार्प होती है, उसको हम एपिकार्प बोलते हैं, उसको रिंड भी बोलते हैं. ये थिक और थिन भी हो सकती है, हार्ड और सॉफ्ट भी हो सकती है. जो मिडिल लेयर है उसे हम मीजोकार्प बोलते हैं, ये थिक एंड फ्लैशी मिलती है आपको मैंगो पीच डेट पाम में, और ये फाइबर लाइक मिलती है आपको कोकोनट में, जिसको आप कॉयर बोलते हो. याद है ना, जब हम एनाटॉमी पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने सरफेस फाइबर्स पढ़े थे. तो सरफेस फाइबर्स हमने पढ़ा था कि दीज आर ऑफ टू टाइप्स, कॉटन फाइबर्स एंड द कॉयर ऑफ कोकोनट. तो बेटा कॉयर ऑफ कोकोनट का मतलब है फाइबर्स ऑफ कोकोनट, ठीक है, और जो फाइबर्स होते हैं कोकोनट के, समझ में आ रहा है, कॉयर ऑफ कोकोनट का मतलब है
फाइबर्स ऑफ कोकोनट, और फाइबर्स जो होते हैं कोकोनट के वो मीजोकार्प वाले पोर्शन में आते हैं, ठीक है। इसके बाद जब हम इनर मोस्ट लेयर देखेंगे तो इसमें इनर मोस्ट लेयर को हम एंडोकार्प बोलेंगे। ये थिन और मैम्ब्रेनस होगी ऑरेंज और डेट पाम में, ठीक है। थिक एंड हार्ड होगी मैंगो एंड कोकोनट में, ठीक है। तो आपको देखना है कि आउटर मोस्ट लेयर को हम एपिकार्प बोलते हैं, मिडिल लेयर को हम मीजोकार्प बोलते हैं, इनर मोस्ट लेयर को हम एंडोकार्प बोलते हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो थिक और थिन भी हो सकती है, हार्ड और सॉफ्ट भी हो सकती है, इसको हम एपिकार्प रिंड बोलते हैं। मीजोकार्प जो होता है वो हम मिडिल लेयर को बोलते हैं। ये मैंगो पीच और डेट पाम में थिक एंड फ्लैशी होती है। कॉयर ऑफ कोकोनट में जो होती है फाइबर की बनी होती है, जिसको हम जो किसमें आएगी मीजोकार्प में आएगी। एंडोकार्प में ऑरेंज और डेट पाम एग्जाम्पल आएंगे अगर एंडोकार्प थिन और मैम्ब्रेनस है, और मैंगो एंड कोकोनट आएंगे, मैंगो एंड कोकोनट एग्जाम्पल आएंगे अगर इनरमोस्ट लेयर हमारी थिक एंड हार्ड है, क्लियर। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रूट्स की। तो हमें पता है कि हमारे पास दो टाइप के फ्रूट्स हैं, एक हमारे पास है ट्रू फ्रूट्स और दूसरा हमारे पास है फॉल्स फ्रूट। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं। तो बेटा जो ट्रू फ्रूट्स होते हैं वो ओवरी से बनते हैं, है ना, और जो फॉल्स फ्रूट होते हैं वो ओवरी से नहीं बनते, क्योंकि ओवरी क्या है, ट्रू पार्ट है, है ना, ओवरी क्या है, ट्रू पार्ट है। तो जो ओवरी से फ्रूट बनते हैं उनको हम ट्रू फ्रूट बोलते हैं। ये इसके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे मैंगो, कोकोनट, ज़िज़ाइपस। बेटा ये अच्छे से पढ़ लेना कि ट्रू फ्रूट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे फॉल्स फ्रूट्स कौन कौन से होते हैं। तो जो फॉल्स फ्रूट्स होते हैं वो ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो ओवरी से नहीं बनते, बल्कि ओवरी के अलावा किसी भी फ्लावर के पार्ट से बनते हैं, ओवरी के अलावा किसी भी फ्लावर के पार्ट से बनते हैं। जैसे थैलेमस से भी बन सकते हैं, कैलेक्स से भी बन सकते हैं, इनफ्लोरेसेंस से भी बन सकते हैं, एप्पल से, जैसे फॉर एग्जाम्पल एप्पल, स्ट्रॉबेरी, पेयर, मलबेरी, फिग, कैश्यूनट, ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं वो किसके एग्जाम्पल्स हैं, फॉल्स फ्रूट के। तो बेटा ये पूछा जाता है कि इसमें से फॉल्स फ्रूट कौन सा है, इसमें से सारे फॉल्स फ्रूट दे देंगे और पूछ देंगे इसमें से ट्रू फ्रूट कौन सा, कोई एक ही ट्रू फ्रूट्स को उसमें डालेंगे, ठीक है। तो फॉल्स फ्रूट्स याद रखो वो फ्रूट्स होते हैं जो किसी और पार्ट से बनते हैं अदर देन ओवरी, जैसे थैलेमस, कैलेक्स, इनफ्लोरेसेंस। अब आपको ये याद रखना है बेटा कि थैलेमस से कौन कौन से बनते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। थैलेमस से हमारे बनते हैं एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, ठीक है, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, ये हमारे बनते हैं थैलेमस से, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि ट्रू फ्रूट्स वो होते हैं जो ओवरी से बनते हैं, मैंगो, कोकोनट, ज़िज़ाइपस इसका एग्जाम्पल आ गया। फॉल्स फ्रूट वो होते हैं जो अदर पार्ट से बनते हैं अदर देन द ओवरी, वो थैलेमस से भी बन सकते हैं, कैलेक्स से भी बन सकते हैं, इन्फ्लोरेसेंस से भी बन सकते हैं। एग्जाम्पल आ गया एप्पल, स्ट्रॉबेरी, पेयर, मलबेरी, फिग, कैश्यूनट। और हमें सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ना है कि थैलेमस से कौन कौन से बनते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आता है नीट एग्जाम में। तो थैलेमस वाले पार्ट से बनते हैं एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, ठीक है। तो हमने इतना देख लिया, अब हम आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट कि क्या क्या, कैसे हम फ्रूट को क्लासिफाई करते हैं। तो हमने देख रखा है कि जो फ्रूट्स होते हैं उनको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक सिंपल फ्रूट में, एक एग्रीग्रेट फ्रूट में और एक कंपोजिट फ्रूट में। हम फ्रूट को तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, सिंपल फ्रूट, एग्रीग्रेट फ्रूट और कंपोजिट फ्रूट। पहले हम देखते हैं कि हमारा जो सिंपल फ्रूट्स है वो क्या है। तो बेटा जो सिंपल फ्रूट होता है वो एक ही फ्लावर से बनता है, सिंपल है ना, तो एक ही फ्लावर से बनेगा। आपको सबकी डेवलपमेंट याद करना है, सिंपल फ्रूट किससे बनता है, मल्टी कार्पलरी से बनेगा। अगर बहुत सारे कार्पल्स होंगे तो वो फ्यूज फॉर्म में होंगे, सिनकार्पस फॉर्म में होंगे। सिनकार्पस मतलब क्या होता है, फ्यूज फॉर्म, ठीक है। तो एक ही फ्लावर से बनेगा उसको हम सिंपल फ्रूट बोलेंगे, ठीक है। और जो हमें कार्पल्स मिलेंगे वो हमें कार्पल्स एक भी मिल सकता है, मोनोकार्पलरी भी मिल सकता है, और हमें कार्पल्स बहुत सारे भी मिल सकते हैं, ठीक है। और अगर बहुत सारे मिलेंगे तो वो हमेशा फ्यूज फॉर्म में मिलेंगे। तो यहाँ पर हमें सिनकार्पस ओवरी देखने को मिलती है। आपको डेवलपमेंट अच्छे से पढ़ना है कि मल्टीकार्पलरी, मोनोकार्पलरी, सिनकार्पस ओवरी किससे बनती है, या मल्टीकार्पलरी, मोनोकार्पलरी, सिनकार्पस ओवरी हमें किस में देखने को मिलती है। तो आप बोलोगे सिंपल फ्रूट में देखने को मिलती है,
ठीक है। अब जो हमारे सिंपल फ्रूट्स होते हैं उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। हमें पता चल गया सिंपल फ्रूट्स क्या है, अब हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक हमारे हैं फ्लैशी फ्रूट्स यानी कि जिसमें जूस होगा, जो पल्पी होंगे। दूसरे हमारे हैं ड्राई फ्रूट्स। जो फ्लैशी फ्रूट्स हैं उनके हमें टाइप पढ़ने हैं ड्रूप, बैरी, पैपो, पोम, हेस्पीरिडियम, बलोस्टा, एम्फिसार का। ठीक है, हमें ये सारे पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ फ्लैशी फ्रूट्स पढ़ने हैं। फिर हमें पढ़ना है ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स तीन टाइप के होते हैं, इनडिहिसेंट, डिहिसेंट, शाइजोकार्पिक। दिस इज ऑल अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रूट। इसके बाद हम एक एक करके सारा पढ़ेंगे कि पहले हम पढ़ेंगे कि सिंपल फ्रूट्स पढ़ेंगे, उसमें हम एक वीडियो में देखेंगे कि केवल केवल फ्लैशी फ्रूट्स पढ़ेंगे कि ड्रूप क्या होता है उसके एग्जाम्पल्स, बैरी क्या होता है उसके एग्जाम्पल्स, पैपो क्या होता है उसके एग्जाम्पल्स, पोम क्या होता है उसके एग्जाम्पल्स, हेस्पीरिडियम क्या होता है उसके एग्जाम्पल्स, बलोस्टा क्या होता है उसके एग्जाम्पल्स, एम्फिसार का क्या होता है उसके एग्जाम्पल्स। दूसरी वीडियो में हम ड्राई फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम एक वीडियो में केवल इनडिहिसेंट पढ़ेंगे, दूसरी वीडियो में हम केवल डिहिसेंट पढ़ेंगे, तीसरी वीडियो में हम केवल शाइजोकार्पिक पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एग्रीग्रेट फ्रूट्स पढ़ेंगे और कम्पोजिट फ्रूट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि सिंपल फ्रूट्स हमारे कौन से होते हैं, जो एक ही फ्लावर से बनते हैं। मल्टी कार्पलरी भी हो सकते हैं, मोनोकार्पलरी भी हो सकते हैं, और सिनकार्पस ओवरी हमें देखने को मिलती है। ये दो टाइप के होते हैं, फ्लैशी फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स। जिसमें जूस होगा वो फ्लैशी फ्रूट्स होंगे, जिसमें जूस नहीं होगा वो ड्राई फ्रूट्स होंगे। फ्लैशी फ्रूट्स में हमें ये सारे टाइप पढ़ने हैं। ड्राई फ्रूट्स में आएंगे कि ये तीन तरीके के होते हैं, इनडिसेंट मतलब जो ऊपर जो फट जाते हैं, इनडिसेंट मतलब जो फटते नहीं है, सॉरी जो फटते नहीं है, इनडिसेंट यानी कि जो डिस्क नहीं हो रहा है, फट नहीं रहे और अंदर से सीड बाहर निकलकर नहीं आ रही है, डिसेंट होता है। डिसेंट मतलब जो फट जाते हैं, जिनकी फ्रूट वॉल फट जाती है और सारे के सारे सीड निकलकर बाहर आ जाते हैं। शाइजोकार्पिक क्या होता है, इसमें स्प्लिटिंग होती है। अभी हम आगे देखेंगे, हर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि तीनों तीनों टाइप कौन से होते हैं, वहां पर हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनडिसेंट कौन कौन से होते हैं, इनडिसेंट में हमें कौन कौन से फ्रूट्स पढ़ने हैं, सिप्सेला टाइप पढ़ना है, कैरियोप्सिस टाइप पढ़ना है, एक्निया टाइप पढ़ना है, नट पढ़ना है, समारा पढ़ना है। डिसेंट में कौन कौन से पढ़ने हैं, लेग्यूम और पॉड क्या होता है, फॉलिकल क्या होता है, सिलिक्वा क्या होता है, सिलिक्यूला क्या होता है, कैप्स्यूला क्या होता है। शाइजोकार्पिक में हमें पढ़ना है लोमेंटम क्या होता है, क्रोमोकार्प क्या होता है, रैग्मा क्या होता है, करकरुलस क्या होता है, यूट्राइकल क्या होता है। ठीक है, तो एक वीडियो में हम ये सब पहले हम इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगे उसमें हम फ्लैशी फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, सारे टाइप पढ़ेंगे। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम इनडिसेंट पढ़ेंगे, नेक्स्ट में हम डिसेंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम शाइजोकार्पिक पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें हम ये सारे टाइप्स को देखेंगे। बेटा यहां से आप लर्न कर लेना कि फ्लैशी फ्रूट्स कौन कौन से होते हैं। ड्राई फ्रूट्स तीन टाइप के होते हैं, लर्न कर लेना उसमें इनडिसेंट में कौन से टाइप आएंगे, डिसेंट में कौन से टाइप आएंगे, शाइजोकार्पिक में कौन से टाइप आएंगे। इसके बाद हम मूव करते हैं एग्रीगेट फ्रूट में। ये भी एक ही फ्लावर से बनती है, ठीक है, लेकिन इसमें जो आपको कार्पल मिलेगा वो मोनो नहीं मिलेगा। जैसे यहां पर हमें मोनो कार्पलरी मिल रहा था ना, यहां पर हमें मोनो नहीं मिलेगा, बाई से लेकर मल्टी मिलेंगे। यानी कि बाई भी मिल सकता है, ट्राई भी मिल सकता है, टेट्रा भी मिल सकता है, मतलब बाई से लेकर हमें मल्टी कार्पलरी देखने को मिलेंगे। ऑलवेज एपोकार्पस, अगर इनमें बहुत सारे कार्पल होंगे तो वो सारे के सारे फ्री फॉर्म में होंगे। आपको पता है ना एपोकार्पस किसको बोलते हैं, फ्री फॉर्म को बोलते हैं। ठीक है, जबकि यहां पर हमें बहुत सारे कार्पल्स फ्यूज फॉर्म में मिल रहे थे, यहां पर हमें बहुत सारे कार्पल्स फ्री फॉर्म में मिलेंगे। और हमेशा ये एग्रीगेट मतलब इकट्ठे होकर रहना पसंद करते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इटेरियो फ्रूट्स भी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसके किसी भी फ्रूट को हम क्या बोलेंगे, इटेरियो ऑफ फॉलिकल। इटेरियो ऑफ फॉलिकल मतलब फॉलिकल का एग्रीगेट। इटेरियो ऑफ एक्नीज मतलब एक्नीज का एग्रीगेट। इटेरियो ऑफ बेरीज मतलब बेरीज का एग्रीगेट, मतलब गुच्छे के फॉर्म में रहेंगे। इटेरियो ऑफ ड्रूप्स मतलब ड्रूप्स का एग्रीगेट। ठीक है, तो जितने भी एग्रीगेट फ्रूट्स होते हैं वो एपोकार्पस ओवरी से मिलकर बनते हैं, बाय से लेकर मल्टीकार्पलरी ओवरी उसमें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स में सब में आप इटेरियो ऑफ फॉलिकल, इटेरियो ऑफ एक्नी, इटेरियो ऑफ बेरीज, इटेरियो ऑफ ड्रूप लगाओगे। इसके बाद हम पढ़ना है सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें पढ़ना है वो है हमारा कंपोजिट फ्रूट। ठीक है, कंपोजिट फ्रूट हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हम इसमें इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो कंपोजिट फ्रूट क्या है, ऐसा फ्रूट जो पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस से बना है। ये फ्रूट क्या है, एक फ्लावर से बना था, ये फ्रूट भी एक फ्लावर से बना है, लेकिन ये पूरे के पूरे इन्फ्लोरेसेंस से बना है।
अब इसमें हमें कंपोजिट फ्रूट में दो टाइप देखने को मिलते हैं, एक साइकोनस और एक सोरोसेस। अगर हमें हम कह रहे हैं ना इन्फ्लोरेसेंस से बनता है, तो अगर हमें इन्फ्लोरेसेंस कौन सा मिल रहा है, हाइपेंथोडियम, तो वो कौन सा कंपोजिट फ्रूट बनाएगा, साइकोनस। ये आपको अच्छे से लर्न करना है कि अगर हमारा इन्फ्लोरेसेंस हाइपेंथोडियम होगा, यहां पर आपको स्पेशल कंसिडरेशन देनी है, ठीक है, कि अगर हमारा फ्रूट जो होगा वो हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस शो करेगा, अगर हमारा जो प्लांट है उसके जो फ्लावर हैं वो हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस शो करेंगे तो साइकोनस फ्रूट बनेगा। अगर स्पाइक स्पैडिक्स और कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस होगा तो कौन सा फ्रूट बनेगा, सोरोसिस बनेगा। ठीक है बेटा, इन दोनों को अच्छे से पढ़ लेना। दिस इज ऑल अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रूट, जिसमें हमने देखा कि फ्रूट्स मिलते कहाँ कहाँ पर है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स क्या होते हैं, पेरिकार्प क्या होता है, पेरिकार्प कितने पार्ट में डिवाइड है, ठीक है, ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं, फॉल्स फ्रूट्स क्या होते हैं, ट्रू फ्रूट्स के एग्जाम्पल जो ओवरी से बनते हैं, फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल जो आपके थैलेमस कैलेक्स और इन्फ्लोरेसेंस यानी कि अदर पार्ट से बनते हैं ऑफ द फ्लावर। हमने ये भी देखा कि थैलेमस से कौन कौन से फ्रूट्स बनते हैं, है ना। इसके बाद हमने क्लासिफिकेशन देखा, जिसमें हमने सिंपल देखा, सिंपल के दो टाइप देखे, फ्लैशी और ड्राई, और फिर हमने इनके भी टाइप्स देखे। फिर हमने एग्रीगेट देखा, जिसमें हमने सारे इटेरियोज वाले देखे। कंपोजिट देखा, जिसमें हमने दो देखा, साइकोनस और सोरोसिस। यहां पर आप स्पेशल कंसिडरेशन करोगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रूट। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली हियरिंग।